राम सीता जैसी जोड़ी ना कभी हुई है ना होगी, लेकिन इस जोड़ी को भी दुख उठाने पड़े। सीता माँ तो राम जी से जैसे अलग होना पड़ा। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए शादी तय होने के बाद आपको कहीं कोई परेशानी ना आए, शादी वाले दिन तक सब स्मूथली चले, दूल्हा और दुल्हन अपनी राशि के मुताबिक पूजा करें। आपको कैसे पूजा करनी है वो जानिए। मेष राशि वाले लोग जो हैं, ये भगवान गणेश जी की पूजा करें, इनके दर्शन करें और गण गणपते नमः की नौ माला का जाप करें। वृषभ राशि वाले लोग कन्या का पूजन करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि वाले लोग शिव शक्ति की आराधना करें। कर्क राशि वाले लोग गुरु के दर्शन करें और शिव चालीसा का रेगुलर पाठ करें। सिंह राशि वाले लोग सुबह सूर्य दर्शन करें, आदित्य हृदय स्त्रोतम का पाठ करें। कन्या राशि वाले लोग दुर्गा के दर्शन करें, गणेश चालीसा पढ़ें। अब बची हुई राशियों का हाल जानते हैं। शादी तय होने के बाद शादी तक दुल्हा दुल्हन को क्या करना चाहिए, कौन सा पाठ पूजा करनी चाहिए डेली बेसिस पर, आइए आपको बता देते हैं। तुला राशि वाले लोग राधा कृष्ण के दर्शन करें, कृष्णाष्टक या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला का जाप करें। वृश्चिक राशि वाले लोग शिव जी के दर्शन करें और शिव के द्वादश नाम का उच्चारण करें। धनु राशि वाले लोग दत्त भगवान के दर्शन करें और गुरु का पाठ करें। मकर राशि वाले लोग हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वाले लोग राम सीता के दर्शन करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले लोग श्री गणेश या साईं बाबा के दर्शन करें, बम बृहस्पति नमः की नौ माला का जाप करें। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, शादी के 7 दिन पहले और शादी के 7 दिन बाहर तक दूल्हा और दुल्हन अपने कान के पीछे, अपने लेफ्ट टांग पर या अपनी आर्म पर काला टीका जरूर लगाएं। इस टाइम पर सबकी नज़र दूल्हा दुल्हन पर होती है, कहीं कोई आपसे जेलसी रखे, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, इसलिए खुद का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जब काला टीका शादी से पहले और शादी के बाद लगाया जाता है, और शादी वाले दिन ये अलग अलग तरीके से होता है। शादी से पहले काला टीका सुरमा से क्रॉस के फॉर्म में लगाया जाता है, शादी वाले दिन ये सिर्फ एक काली डॉट के फॉर्म में लगाया जाता है, और शादी के बाद आप इसको डॉट के फॉर्म में ही लगाएं, क्रॉस के फॉर्म में नहीं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। क्या करें आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग गाड़ी ध्यान से चलाएं, लक साथ दे रहा है आपका 49%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को गुड़ खिलाइए आप, किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। मिथुन राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करें, लक साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि के लोग माँ दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। सिंह राशि के लोग चमड़े के सामान का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। कन्या राशि के लोग शाम को हनुमान मंदिर जाइए, लक साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग गरीबों को दाल दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग दिन में खूब पानी पीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 66%। धनु राशि के लोग घर से निकलते हुए अपने इष्ट का नाम लीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। मकर राशि के लोग किसी की चुगली बिल्कुल नहीं करें, लक साथ दे रहा है आपका 59%। कुंभ राशि के लोग कल ध्यान दीजिएगा, आप जल्दबाजी में कोई काम गड़बड़ कर सकते हैं, लक सपोर्ट कर रहा है कल आपको 63%। और मीन राशि के लोग कल ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, नहीं तो अफसोस होगा, किस्मत साथ दे रही है आपका 55%।